नमस्कार, इन बीसेल न्यूज के बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। दर में बदलाव नहीं करेगा आरबीआई, विशेषज्ञों की राय। 19,800 करोड़ रुपए डाले, 6 वर्ष का उच्च स्तर, पैसों की बारिश कर रहा है एफपीआई। पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द हो सकता है। अभी इसके कुछ सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पेटीएम पेमेंट बैंक पर 3 बार कार्रवाई हो चुकी है। इससे पहले 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के हाथों लॉन्च होने वाले पेटीएम पेमेंट बैंक पर 2018 में आरबीआई ने केवाईसी संबंधित गड़बड़ियों के कारण नए खाते खोलने पर रोक लगा दी थी। अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने भुगतान और निपटन से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करने के लिए बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था। मार्च 2022 में इसे एक बार फिर नए ग्राहक जोड़ने से भी रोका गया। बजट के ठीक बाद भारतीय रिजर्व बैंक के अल्पकालिक ऋण दर पर यथास्थिति जारी रखने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बैंक इस सप्ताह अपनी आगामी द्विमासिक मौद्रिक नीति में नीतिगत दरों में कोई बदलाव शायद ही करेगी, क्योंकि खुदरा मुद्रा स्फीति अब भी संतोषजनक दायरे के ऊपरी स्तर के करीब है। रिजर्व बैंक ने लगभग 1 साल से अल्पकालिक ऋण दर को 6.5% पर स्थित रहा है। इसे आखिरी बार फरवरी 2023 में 6.25% से बढ़कर 6.5% किया गया था। खुदरा मुद्रा स्फीति जुलाई 2023 में 7%, 2023 में 7.44% के उच्च स्तर पर थी और इसके बाद उसमें गिरावट आई है। हालांकि यह अब भी अधिक है। खुदरा मुद्रा स्फीति दिसंबर 2023 में 5.69% थी। सरकार ने रिजर्व बैंक को मुद्रा स्फीति को 2% गड़बड़ के साथ 4% दायरे में रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 62% उछलकर 1,870 करोड़ रहा। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 1,191 करोड़ रुपए रहा था। BOI ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में कुल आमदनी बढ़कर 16,411 रही, जो बीते वित्त वर्ष समान तिमाही में 14,160 करोड़ थी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि GST खुफिया अधिकारियों चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर तक 18,000 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामलों का पता लगाया है। मंत्रालय ने कहा कि इन मामलों में 98 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। GST खुफिया महानिदेशालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान देश भर में सक्रिय फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाले गिरोह और उनकी मास्टरमाइंड की पहचान के लिए उन्हें पकड़ने पर विशेष बल दिया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जनवरी में देश के ऋण या बॉन्ड बाजार में 19,800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह बॉन्ड बाजार में FPI के प्रवाह का 6 साल में सबसे ऊंचा मासिक स्तर बताया जा रहा है। भारतीय सरकार के बॉन्ड को JP Morgan इंडेक्स में शामिल किए जाने के बाद FPI का भारतीय बॉन्ड बाजार के प्रति आकर्षण बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर FPI ने अमेरिका में बॉन्ड पर प्रतिफल बढ़ने के बीच जनवरी में भारतीय शेयरों में 25,743 करोड़ रुपए की निकासी की है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में PFI ने बॉन्ड बाजार ने शुद्ध रूप से 19,836 करोड़ रुपए डाले थे। यह जून 2017 के बाद उनके निवेश का सबसे ऊंचा मासिक स्तर है। उस समय उन्होंने बॉन्ड बाजार में 25,685 करोड़ रुपए डाले थे। इससे पहले दिसंबर में FPI ने बॉन्ड में 18,302 करोड़ रुपए, नवंबर में 14,860 करोड़
और अक्टूबर में 6381 करोड़ रुपए डाले थे। मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के एसोसिएट निर्देशक प्रबंधक शोधकर्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, भारत के निश्चित आय बाजार में FPI का शुद्ध प्रवाह जून में 2.39 अरब डॉलर रहा है। भारत सरकार के बॉन्ड को JP मॉर्निंग इंडेक्स में शामिल किए जाने के वजह से यह निवेश आया है। JP मॉर्निंग चेंज एंड कंपनी ने पिछले साल सितंबर में घोषणा की थी कि वह जून 2024 से भारत सरकार को बॉन्ड के अपने उभरते बाजार के बेंचमार्क में जोड़ेंगी। इस ऐतिहासिक कदम से इसके बाद के 1.5 से 2 साल में भारत को 20 से 140 अरब डॉलर का 1.5 से 2 साल में भारत को 20 से 140 अरब डॉलर निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा। दर में बदलाव नहीं करेगा RBI, विशेषज्ञों की राय। 19,800 करोड़ रुपए डाले, 6 वर्ष का उच्च स्तर, पैसों की बारिश कर रहा है FPI। आज के बिजनेस न्यूज में इतना ही, देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।